हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। सुबह एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी 9:30 बज रहा है, थोड़ा लेट से ही आज ब्लॉग को शुरू किया। आज हूँ मैं घर पे बिल्कुल अकेले। एकदम सुबह सुबह मनोजीत निकल गया, उसका ऑफिस का कॉन्फ्रेंस है तो 2-3 दिन के लिए वो बाहर गया है, आउट ऑफ बॉम्बे। सो ये 2-3 दिन मैं अकेले रहूंगी यहाँ पे। पहली बार मैं अकेले रहूंगी क्योंकि शादी के बाद ऐसा रहना नहीं हुआ, तो इसलिए अच्छा है। काम बहुत कम करूंगी, थोड़ा बहुत जो भी खुद के लिए बनाना है थोड़ा बहुत बना के खा लूंगी, बस खुद से कुछ किसी चीज़ से भी चल जाएगा मेरा। और बस बाकी थोड़ा बहुत जो और भी सेटिंग करना बाकी है ना, जो कार्टून्स में अभी भी सामान भरा पड़ा है वो सब निकालने की कोशिश करूँगी, ये सब काम कर लूँगी सोच रही हूँ। तो बस सोचा एक दिन का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कैसे मैं अकेले पूरा दिन बिताती हूँ। तो अभी आज ना इतना सुबह उठी थी ना, तो उसके बाद थोड़ा सो गई थी, तो अभी कुछ देर पहले ही उठी हूँ। अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और सैंडविच बना लूँगी सोच रही हूँ, वही ब्रेकफास्ट में ले लूँगी। आज ना मैं पूरा दिन बिल्कुल चिल करने वाली हूँ, थोड़ा बहुत खाना बनाऊँगी, खाऊँगी और ढेर सारा आराम करूँगी। तो अभी किचन में आ गई हूँ, आलू ऑलरेडी मैंने बॉयल करके रखा है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा टमेटो फिर क्यूकुम्बर ये सब काट रही हूँ। और ये देखिए बॉयल्ड आलू, इसको मैं थोड़ा सा ग्रेट कर लूँगी। तो आलू का मसाला बना के जो सैंडविच बनता है ना वो बनाऊँगी आज, वो खाने का बहुत मन कर रहा है तो इसलिए आलू का थोड़ा सा मसाला बना दिया। उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर ये सब डाल के एक अच्छा सा मसाला बनाया। और दूसरी तरफ मैंने ब्रेड ले लिया है। स्ट्रीट साइड शॉप्स में जो ये सैंडविच मिलता है ना, इसमें ये लोग एक हरी चटनी यूज़ करते हैं जो बहुत टेस्टी होता है, लेकिन मेरे पास अभी है भी नहीं और बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो मैं ना थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड लगा रही हूँ, इससे भी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छे से चीज़ लगा के उसके बाद ये जो आलू का मसाला है वो डालूँगी बीच में, अच्छे से भर भर के एकदम फीलिंग्स डालूँगी। और ऊपर से जो सब्जी है जैसे टमेटो है, कुकुम्बर है, वो सब डालूंगी। तो ये सैंडविच ना मुझे बहुत पसंद आता है, मनोजीत को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो आज अकेली हूँ, मन चाहेगा जो वही बनाऊंगी, वही खाऊंगी और आराम करूंगी, बस ऐसा ही दिन बीतेगा। तो 2-3 दिन मेरा अभी ऐसे ही निकलने वाला है, तो ज़्यादा काम वाम नहीं करूँगी क्योंकि मनोजीत फिर ऑफिस से जब आ जाएगा ना अपने कॉन्फ्रेंस से, तो उसके बाद तो फिर से वही रूटीन भागा दौड़ी। तो इसलिए 2 दिन अगर चिल मारने का टाइम मिले तो कर लेना चाहिए। तो सैंडविच को ना हम लोग ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा इसको सेक लूँगी दोनों तरफ से, थोड़ा क्रिस्पी हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस तवे पे कोई बटर वगैरह नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही मैं सूखा सेक लूँगी दोनों तरफ से। सैंडविच रेडी हो गया और दूसरी तरफ मैंने चाय भी ले लिया है, तो चलिए अभी अच्छे से ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। रेडी हो गया मेरा क्विक एंड इजी सिंपल सा ब्रेकफास्ट। ये सब ना स्ट्रीट में मिलता है ना, वो लोग थोड़ा ग्रीन चटनी भी देते हैं लेकिन वो तो मेरे पास है नहीं और बना रखे, अब मन नहीं कर रहा है तो ऐसे ही बना दिया। मुर्गीत को ना ऐसा वाला सैंडविच बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको आप सलामी डाल के दो या एग डाल के दो तब खाएगा, ये सब वेजीज डाल के तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो रास्ते के जो शॉप्स में मिलते हैं वहाँ से ख़रीद के भी खाती हूँ। तो आज सोचा आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद के लिए कुछ भी बना दो, तो इसलिए मैं ये बना दी। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद दिमाग लगाना है कि लंच में क्या बनाऊँ। सिंपल सा कुछ एक ही आइटम बनाऊँगी जिससे खाना है, वही सोच रही हूँ, लेट्स सी। तो चलिए पहले ये टेस्ट करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में आलू का जो फीलिंग है ना और चीज पड़ा है, यम।
मैं ना ब्रेकफास्ट करने के बाद बैठ के एडिटिंग कर रही थी और मेरा एकदम ध्यान नहीं रहा, और अभी देखती हूँ 12 बज गया है तो अभी जल्दी से जाती हूँ क्योंकि मुझे, मैंने लंच कुछ नहीं बनाया है अभी तक, तो जो भी थोड़ा बहुत बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, तो थोड़ा बहुत जो भी बनाना है बना लेती हूँ, फिर नहा के आके बाकी का जो भी है, क्योंकि मुझे एक वीडियो आज पोस्ट करना है और कल मुझे टाइम नहीं मिला था एडिट करके रखने के लिए। तो दिखाती हूँ मैंने क्या प्लान किया है लंच का। यहाँ पे ना मैंने दाल बॉयल किया है, तो ये देखिए दाल के बीच में ना मैंने आलू भी डाल दिया था बॉयल होने के लिए। तो आलू का ना मैं चोखा बना लूँगी और दाल बनाऊँगी मसूर की दाल और ऑमलेट कर लूँगी। तो ऑमलेट दोपहर में खाऊं कि नहीं खाऊं सोच रही हूँ। मैं थोड़ा मूली भाजी करूँगी, मुझे ना मूली बहुत पसंद आता है और घर पे है भी, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा मूली भाजी भी कर लेती हूँ और दोपहर में फिर मन किया तो साथ में थोड़ा सा ऑमलेट भी कर लूँगी। बस यही दाल आलू चोखा हो जाए ना, तो और क्या चाहिए, ये प्लेन सिंपल खाना, तो यही मैं आज खाने वाली हूँ। चिकन है, मतलब चिकन बनाया था कल मैंने, तो चिकन रह गया है, लेकिन मैं, मुझे आज चिकन खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, इसलिए फ्रिज में रहेगा, वो कल खाऊंगी तब। यहाँ पे देखिए मूली भाजी बिल्कुल हो गया है, मैं थोड़ा क्रिस्पी कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे मूली फ्राई। और बस अभी दाल भी बॉयल हो चुका है, तो अभी छौंक लगाऊंगी, थोड़ा सा प्याज डाल के मैं दाल बना रही हूँ, तो ये दाल ना चोखे के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस दाल भी इधर बन गया है, भाजी भी हो गया है, और चोखा तो आलू बॉयल है ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से मेरा लंच प्रिपेयर कर लिया। जस्ट नाउ नहा के आई हूँ और 2:30 बज चुका है आज, तो बस पूजा किया अभी आके और अभी टीवी चलाया है, तो बैठ के टीवी देखूंगी और लंच कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा मुझे निकलना है, थोड़ा ज़रूरी काम है, उससे उसके लिए थोड़ा बाहर जाना है, तो वो करके जल्दी जल्दी घर आ जाने की कोशिश करूँगी। और दिखाती हूँ लंच में क्या क्या है आज। तो मेरा सिंपल सा लंच है, यहाँ पे देखिए ये है आलू चोखा, साथ में मूली फ्राई और दाल, मसूर की दाल पतली सी। शाम के अभी 5 बज चुके हैं, मैं देखिए थोड़ा रेडी हो चुकी हूँ, आपको बताया था ना कि थोड़ा काम से बाहर जाना है, तो इसलिए हो पाएगा तो थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन कुछ ज़रूरी काम से जा रही हूँ इसलिए आई डोंट थिंक मैं ब्लॉग बना पाऊँगी। धूप अभी भी ना बाहर में थोड़ा थोड़ा है, मन कर रहा था और थोड़ा लेट से निकलूँ, लेकिन नहीं होगा, तो बस अभी ये खिड़की दरवाज़ा सब बंद करके जाती हूँ, नहीं तो ना घर पे पूरा मच्छर हो जाता है, तो अच्छे से लगा के ना जाऊँ ना तो रात को यहाँ पे टिकना मुश्किल हो जाएगा, इतना मच्छर होता है। और बॉम्बे में ना डेंगू का बहुत इशू रहता है, तो इसलिए बस सब कुछ बंद कर दिया। चलिए अभी निकलते हैं। काम ख़त्म करके मुझे निकलते निकलते रात हो गया, करीब 7:15 हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, तो बस अभी जा रही हूँ घर, तो भूख भी लगा है, सोच रही हूँ कुछ लेके जाऊँगी खाने के लिए। घर आते आते 7:30-8 हो गया है और भूख भी लग रहा था, जिस काम से गई थी काम हो गया लेकिन काफ़ी लेट हो गया, तो आते वक्त ना मैं थोड़ा सा चाट लेके आई हूँ, तो यहाँ पे देखिए साथ में ये नमकीन भी दिया है, तो अभी इसको बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। मैं जो लेके आई हूँ वो है आलू टिक्की चाट, दिल्ली में इसको टिक्की चाट ही बोला जाता है, मैं दिल्ली में जब थी बहुत खाती थी इसे, और यहाँ पे ना इसको रगड़ा पेटीज बोला जाता है, तो सामान एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम। और मुझे ना ये चाट बहुत बहुत पसंद है, मतलब मैं जब भी दो मैं खा सकती हूँ, ऐसा है, काफ़ी सारा है, तो इसी से मेरा रात का डिनर हो जाएगा। यम बनाया है। ये खाने के बाद रात में और कुछ खा पाऊंगी ज़्यादा मालूम नहीं चल रहा है, खा लेती हूँ रात का डिनर और फिर नहीं करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, छोटा सा ही ब्लॉग है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नया ब्लॉग लेके, टिल देन कीप वॉचिंग, बाय, फोकस जिंदगी।